सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। उत्तराखंड की गौरवशाली सैन्य परंपरा पर बनी पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित उत्तराखंडी फिल्म मेजर निराला 24 जून को मुंबई में रिलीज होगी, जिसका प्रोमो मुंबई स्थित स्कॉन ऑडिटोरियम में लॉन्च किया गया। प्रोमो लॉन्चिंग पर मौजूद रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, फिल्म निर्माता आरुषि निशंक, अरुण गोविल, कैलाश खैर, सुधांशु पांडे, उत्तराखंड और गढ़वाली समाज के महाराष्ट्र में मौजूद कई संस्था के लोगों ने अपनी उपस्थिति प्रोमो लॉन्च पर दर्ज कराई। आए हुए अतिथियों को शॉल और फूल गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। फिल्म के दो गीत आरुषि निशंक ने लिखे हैं और बाकी के गीत उत्तराखंड के मशहूर गायक भगत सिंह नेगी ने लिखे हैं। मेजर निराला की भूमिका राजेश मलगुड़ी ने निभाई है। इस फिल्म में गढ़वाली गाने को मशहूर गायक कैलाश खैर ने गाया है। आप सबको तो मालूम है कि उत्तराखंड की धरती बहुत अद्भुत धरती है। वो वीरों की धरती है, वो तपोभूमि है और वो देवभूमि है। और यदि देखा जाए तो वहाँ हर कदम पर नया इतिहास रचा जाता है और देशभक्ति का जो अनन्य अनुराग है अब वो उस धरती पर मिलता है। इसीलिए औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सेवा पर अपनी कुर्बानी को देता है। वो जो मेजर निराला है वो बचपन से ही उन वादियों में वो जीता है और अभाव में रहते हुए भी देशभक्ति का जो जुनून है वो उसको मेजर बनाता है, मेजर तक पहुंचता है। और इधर परिवार की समस्याएं हैं, उधर देश की सीमाओं पर वो अभियान है। और इसलिए यदि आप इस फिल्म को देखेंगे तो जहाँ उत्तराखंड की संस्कृति, वहाँ का प्रकृति का अलौकिक सौंदर्य, वहाँ का आध्यात्म, वहाँ के जो समस्याएं हैं गाँव की, वो समस्याएं और उसका निदान और दूसरी ओर देशभक्ति की पराकाष्ठा, इन दोनों का जो बेहतर समन्वय है वो इस मेजर निराला में देखने को मिलता है। और मैंने बहुत पहले इस उपन्यास को लिखा था, मेरे अभी तक 1.5 दर्जन उपन्यास हैं, लेकिन ये उपन्यास मेरा बहुत पुराना था जिस पर मेरी बेटी ने ये फिल्म बनाई है। उत्तराखंड में जहाँ खड़े हो जाओ वो जगह शूटिंग के लिए लोकेशन हो जाती है। इससे बड़ा दुनिया में ऐसा कोई राज्य या कोई देश ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में आप जहाँ खड़े हो जाएं वो जगह शूटिंग के लिए लोकेशन तो, और बाकी देवभूमि है तो उसमें उस बारे में तमाम सब लोग बोल के गए हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है, उस देवभूमि का मैं जन्म हुआ है, लास्ट पिथौरागढ़। मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था, तिब्बत, चाइना, नेपाल, तीन रास्ते हैं, एक रास्ता सीधे सड़क बनती है, वही दिल्ली उल्ली होते हुए मुंबई आ जाती है। तो उस जगह से यहाँ पर आना, क्योंकि इतने बरस पहले जब पहाड़ से हम निकले थे और जुहू जैसी जगह में यहाँ नाटक करते थे, थिएटर करते थे, तो तब कल्पना वाकई नहीं की थी हमने कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम अपनी उत्तराखंडी फिल्म का प्रोमो लॉन्च जुहू जैसी जगह में करेंगे। तो ये मेरे लिए तो मतलब हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाली बात है। इसमें जो किरदार है वो एक मेट का है, जिसको डोट्याल बोलते हैं या लेबर बोलते हैं, नेपाली किरदार है। वो उस गाँव में रहता है, वो पूरे गाँव का सामान ले जाना और पूरे गांव के साथ एसोसिएट रहता है। कोई खबर कहीं दूर वो कहीं काम पे गया है तो वहाँ से वो खबर वही आदमी लाता है कि यहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ ये घटना हुई है। और जिस तरह हम लोग, क्योंकि प्रैक्टिकली हम वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे तो जिस तरह से मैं हिंदी फिल्म में शूटिंग करता हूँ उसी तरह की भव्यता या वैसा ही सेट या वैसा ही यूनिट, उतना ही बड़ा यूनिट वहाँ पर देखने को जब मुझे मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। शुरू में मैंने, जैसे निशंक जी ने भी कहा कि हेमंत भाई को हमने फ़ोन किया और वो आ गए, मुझे भी शुरू में ऐसा लगा कि चलो इतना बड़ा आदमी बोल रहे हैं तो चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं फ़ोन जब वहाँ से शूटिंग ख़त्म करके आया तो मैंने उनको खुद फ़ोन किया, मैंने कहा वाकई काम करके मज़ा आ गया। क्योंकि एक अभिनेता को उसकी खुराक मिल जाती है, उसको चरित्र के साथ जब वो न्याय कर लेता है, भाव के साथ वो जी लेता है वो पल, अपना व्यक्तित्व छोड़ करके कैरेक्टर में जब चला जाता है तो उसको संतुष्ट। कामनाओं का पहली बात तो ये, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि लोग मुझे कैसे जानते हैं, ठीक है। मैं यहाँ कुछ अच्छे ईमानदार लोग मिले एक साथ, उन्होंने एक अच्छा ईमानदारी का प्रयास किया अपने रीजन के लिए जो फाइनली जाकर देश पर ठहरेगा। ये देखिएगा, ये यहाँ से आज इतिहास शुरू हुआ है इस फिल्म के ज़रिए। तो इसलिए ये
हमारे परम आदरणीय निशंक जी का, उनकी बिटिया का, आरुषि का, ये जो एक अच्छा प्रयास है बहुत, और उत्तराखंड के लिए कहा किया गया है। उत्तराखंड सब जानते हैं देवभूमि है, लोग बहुत अच्छे हैं। उत्तराखंड में मैं जब पहली बार गया था ना, तो हम लोग रात को कहीं ट्रैवल कर रहे थे और हमने देखा कि एक लड़की अकेली कहीं चली जा रही थी। मुझे लिटरली डर लगा, मैंने कहा देखो ये अकेली लड़की कहाँ जा रही है, ये मतलब सेफ नहीं है। तो मेरे साथ जो थे उन्होंने कहा नहीं आप घबराइए मत, ये उत्तराखंड है, ये अपने घर पहुँच जाएगी। ये है उत्तराखंड। खुशी होती है आप सभी लोगों से बात करके भी, और सभी जो है लोग इच्छुक हैं मूवी देखने का, उनसे बात करने पे। और पहली हमारी पहल है, और दोबारा बोलूँगी पहल है, मुहिम है कि प्लीज़ जाइए मूवी देखिए, अपनी संस्कृति, कल्चर, भाषा, वेशभूषा, खान पान को बचाने के लिए हमने ये जो है एक पहल करी है। हमारा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सारे जितने भी फिल्म देखने वाले प्यारे लोग हैं इस पृथ्वी पर, तो ये गढ़वाली फिल्म में, गढ़वाली भाषा में ये फिल्म बनी है और ये राष्ट्र रक्षकों के नाम समर्पित हुई है ये फिल्म। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई और मंत्री रहे साहेब हमारे, और बहुत बड़े शिक्षक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, अच्छा नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, दार्शनिक हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं। इनका नाम तो देखिए ऐसे कहने को रमेश पोखरियाल निशंक साहेब हैं, लेकिन नाम से ज़्यादा काम होता है, पहचान की जो सूत्र होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, यदि अंकुरण ही यहाँ से उगा है तो बात बड़ी है। उत्तराखंड जो है, ये उत्तराखंड को अगर डेवलप करना है, अगर इंडस्ट्री को डेवलप करना है, तो जैसे उन्होंने बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर चेन होता है, 40-20 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, एक प्रॉपर चेन होता है, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर एक्सीबिटर चेन माना जाता है, जिसकी कमी आज उत्तराखंड में है। एक्सीबिटर चेन यानी कि जहाँ आप एक्सीबिट करते हो, थिएटर्स में जहाँ दिखाते हैं, जो इन्होंने बताया डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो मूवी लेता है, प्रोड्यूसर है वो जो मूवी बनाता है। तो जब तक ये प्रॉपर चेन भी बनेगी, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी है, तो हमने शुरुआत तो कर ली है। अब निशंक जी का सानिध्य है, प्लस हम चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी है, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट हुई थी लास्ट दो तीन महीने पहले, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई इस तरह के उत्तराखंड में अगर इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो आपको ये चेन जो एक्सीबिटर चेन बनानी पड़ेगी आपको, लोगों को जैसे बोला कि एक प्रोजेक्टर का है, आज आप लिस्ट बनाइए, आज हमारे कॉन्टैक्ट इतने हैं। देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, बदले सोच समय के साथ।